नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया और शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। आतंकवाद ड्रग्स मामले में एनआईए की कार्रवाई, यूपी उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर छापा। गरीबों के आरक्षण पर फिर सुप्रीम मुहर, संविधान पीठ ने खारिज किया ईडब्ल्यूएस पर सभी पुनर्विचार याचिकाएं। उत्तर भारत में चलेगी लू भरी आंधियां, राजस्थान के येलो अलर्ट जारी, मानसून आने पर दे दी। क्षेत्रीय दलों को अज्ञात स्रोतों से 887.55 करोड़ रुपए की हुई है आमदनी, एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जुड़े मुद्दों पर साझा हित साधने में जुटे भारत और यूरोपीय संघ, चीन के विकल्प पर की तलाश। डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के निशाने पर थे हरिशंकर तिवारी, राजनीति में पाना चाहता था एंट्री। गाजियाबाद में व्यंबेश्वर मंदिर में मुस्लिम युवकों की एंट्री का मामला, धर्मगुरु पवन सिन्हा का बयान, कहा समय बेहद संवेदनशील चल रहा है। अलीगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, बिना नोटिस दिए काटा कनेक्शन। अलीगढ़ में एडीजी ने पुलिस व्यवस्था का किया निरीक्षण, पुलिस व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। हिंद महासागर में मछली पकड़ने आई चीनी नाव डूबी, 39 क्रू मेंबर्स लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिडनी नहीं, जापान में होगी क्वाड मीटिंग, जो बाइडेन का दौरा कैंसिल होने से ऑस्ट्रेलिया ने लिया फैसला। पुलिस को देखकर भागे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री इमरान के करीबी फवाद चौधरी, गिरफ्तारी के डर से रफू चक्कर। कश्मीर में G20 समिट पर यूएन को भारत का जवाब, कहा घाटी में माइनॉरिटीज का कोई इश्यूज नहीं। चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर बड़ी चिंता, ओपन एल सीईओ सैम अलर्टमैन ने दी राय। पहली बार होम ग्राउंड पे 80% मैच हारी राजस्थान, बॉलिंग पिच बनाना भारी पड़ा। धोनी के साइन का किस्सा बताते हुए सुनील गावस्कर भावुक हुए, कहा आखिरी पलों में दो चीजें देखना चाहूंगा। सचिन तेंदुलकर को कुत्ते ने काटा, इकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। आईओए जल्द करेगी कुश्ती संघ चुनाव की घोषणा, पीटी उषा और कल्याण चौबे पर जिम्मेदारी। देश लौटे पदक वीर पिता को इनामी राशि देंगे हुसाउद्दीन, मां के लिए घर बनवाएंगे दीपक। संडेला लुक में रेड कारपेट पर छाई मनुषी छिल्लर, उर्वशी के पिग गाउन ने जीता फैंस का दिल। कैनन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए निकली ऐश्वर्या और आराध्या, अलग अंदाज में नजर आई मां बेटी की जोड़ी। सालों बाद कंगना रनौत और बेटे अध्ययन के रिलेशनशिप पर बोले शेखर सुमन, मैं कभी भी उनके रिलेशन के खिलाफ नहीं था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया मैनेजर को एप्रिसिएशन, अद्वी सेन
से खुशी जताते हुए शेयर किया वीडियो। आलिया भट्ट ने गुच्ची फैशन शो में किया डेब्यू। कटआउट डिटेल ब्लैक ड्रेस में ढाया कहर, ट्रांसपेरेंट बैग ने लूटी लाइमलाइट। फिलहाल ये थी 5:25 बड़ी खबर। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।